नमस्कार, मेरा नाम रेखा द्विवेदी है और मैंने मध्य प्रदेश सिविल जज क्लास टू की अभी 2019 की वैकेंसी में क्वालिफाई किया है। मेरी थर्ड रैंक लगी हुई है और अभी वर्तमान में मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट धार में डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर की पोस्ट पे काम कर रही हूँ। और मैंने 2012 में सबसे पहले सिविल जज का एग्ज़ाम दिया था, तब मेरे 3 मार्क्स से मैं रह गई थी। इसके पश्चात चूँकि मैंने साथ में ही डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर की वैकेंसी को भी दिया था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाने के कारण मैंने यह वाली जॉब कंटिन्यू कर दी। 2013 से मैंने कंटिन्यू इस जॉब को किया है। साथ ही साथ चूँकि मेरी शुरू से एक इंटरेस्ट भी रहा है और मेरे को सिविल जज बनने की प्रेरणा भी रही है, तो मैंने सिविल जज के लिए तैयारी अपनी कंटिन्यू रखी। और लास्ट ईयर मेरी शादी हुई, उसके पश्चात मेरे हस्बैंड चूँकि यहाँ पे सिविल जज हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और जो थोड़ी बहुत कमियाँ रह जाती हैं पढ़ाई के दौरान, उस कमी को हमने दूर करने की पूरी कोशिश की। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं सभी से कहना चाहूँगी वो ये कि कंसिस्टेंसी हर एग्ज़ामिनेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ये ना सोचें कि जब नोटिफिकेशन होगा तब एग्ज़ाम स्टार्ट किया जाए या फिर प्री निकल जाए तब मेंस की पढ़ाई शुरू की जाए। आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको अपनी पढ़ाई उसी तरह से तैयार करनी है जैसे आपको आपका एग्ज़ाम कल ही होना है। तो इसी तरह से हमने पूरी प्रिपरेशन की, क्योंकि हमारे साथ एक कंडीशन ये भी थी कि हम 10:30 to around 6 o'clock तक हमें कोर्ट में अपना काम करना होता है, तो हमें कहीं ना कहीं अपना टाइम वो 24 आवर्स में से ही चुराना होता है। तो हमने अर्ली मॉर्निंग का टाइम चूज़ किया, हम 4 o'clock उठते थे और एक शेड्यूल बनाया। सबसे पहले आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि जब भी कोई भी काम एग्जीक्यूट करना हो तो एग्जीक्यूशन के पहले एक प्रॉपर प्लानिंग ज़रूर करें कि कौन से सब्जेक्ट की हमें पढ़ाई करनी है, किस तरह से करना है, कौन सा सब्जेक्ट में आपकी स्ट्रेंथ है, कहाँ पे आपकी वीकनेसेस हैं। और ये ना सोचें कि ये सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है हमारा तो हम उसको बाद में देख लेंगे। ऑलवेज़ रिमेंबर कि हर सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, क्योंकि कई बार हम इस उसमें रहते हैं, सोच में रहते हैं कि हमारा ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो हम उसको बाद में देख लेंगे। अल्टीमेटली आपको सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। और यदि हम स्टेज वाइज बात करें प्री मेंस और इंटरव्यू, तो जैसे कि स्टेज है उसी तरह से तैयारी भी करनी है। आपको प्री में ये सोच के रखना है कि हमें बेयर एक्ट को बहुत अच्छे से याद करना है, आपको इंडेक्स बाय हार्ट होना चाहिए, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस में अराउंड आप मान के चलिए कि इंडेक्स से 5 to 10% क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ टेक्स्ट बुक को भी ध्यान रखिए, टेक्स्ट बुक में से जो जिस्ट होता है, केस लॉज हो गए, कोट्स हो गए, आपके जो मैगजीम्स हैं, मैगजीम्स की मीनिंग्स होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको टेक्स्ट बुक्स में से ही मिलती हैं। साथ ही साथ प्रीलिमिनरी के लिए आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब हम प्री के लिए पढ़ रहे होते हैं तो उस समय जब आप प्राइमा फेसी जब आप पहली बार ओटी लगा रहे होते हैं, उसके बाद जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि हमारे फ्लॉ है, यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप मार्क कर लें और नेक्स्ट टाइम जब आप उसको लगाएं सेकेंड राउंड थर्ड राउंड, तो जहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं उसी को आप बार बार फोकस करें। ये नहीं कि हम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग फिर से पूरी ओटी लगाना शुरू कर दें, तो इससे क्या होगा, आप जितनी बार अपनी मिस्टेक्स को ठीक करेंगे, आप जब फाइनल एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो आपकी मिस्टेक्स उतनी ही कम होंगी। साथ ही साथ चूँकि अब आजकल का पैटर्न ये हो गया है कि लॉ के साथ साथ आपका GS भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कंप्यूटर इंग्लिश ये भी 5 मार्क्स के हो जाते हैं, 10 मार्क्स के अब तो बढ़ गए हैं, तो इसमें हमें ये भी फोकस करना है कि जितने भी पर्सपेक्टिव हैं हमारे, जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको भी फोकस करें। आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ें, न्यूज़पेपर में से हार्डली आपको 15 to 20 मिनट्स ही निकालने होते हैं। मेन जो भी जिस पॉइंट पे फोकस किया जा रहा है उसको आप लिखें। हमने एक डायरी बना रखी थी, डेली हम आधे घंटे उस पर देते थे, हम उसको लिखते थे, ताकि मैगजीन में से तो पढ़ते ही हैं हम लोग मंथली मैगजीन में से, बट एटलीस्ट हमारा कुछ छूटे ना, कुछ मिस ना हो। आप ये मान के चलिए कि आपका प्री से लेकर के मेंस तक में न्यूज़पेपर की बातें मेंस तक में इंटरव्यू तक में काम आते हैं। अब आप सोचेंगे इंटरव्यू में या फिर मेंस में कैसे काम आता है, तो अब हम बात करते हैं मेंस की। इंटरव्यू का ही सारा पार्ट आपको जो प्री वाला पार्ट था वो हमने बता दिया है। अब मेंस में जब हम फोकस करेंगे तो मेंस के लिए आपको सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन आंसर राइटिंग के साथ साथ में एसे राइटिंग, आपका ट्रांसलेशन, जजमेंट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ में हमने पूरे सेक्शंस के क्वेश्चंस किस किस टाइप के बन रहे हैं, क्योंकि आजकल मेन क्वेश्चंस के साथ में टेल क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, तो टेल क्वेश्चन को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कई बार मालूम पड़ा 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का लीडिंग क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया डिफाइन करने के लिए, टाइप्स काइंड्स पूछ लिए, लेकिन साथ में टेल क्वेश्चन में कुछ और पूछ लिया। तो हमें जितने भी लीडिंग सेक्शंस है उसके साथ साथ उनके जो साथ के साथ अटैच्ड सेक्शंस होते हैं उन पे भी फोकस करना चाहिए। और आपको एक सब्जेक्ट्स का दूसरे सब्जेक्ट से कोरिलेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि सीआरपीसी में सेक्शन 300 के बारे में जब पूछा जाता तो पैरेलली आर्टिकल 20 के बारे में पूछ लिया जाता कॉन्स्टिट्यूशन के, तो हमें ये कोरिलेशन मालूम होना चाहिए कहाँ पे क्या बात हो रही है। साथ ही साथ जब हम क्वेश्चन आंसर्स के साथ और भी बात करें, जजमेंट राइटिंग में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल कोर्ट में क्या पैटर्न चल रहा है, एक प्रोफार्मा ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। उस प्रोफार्मे को पहले आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लें, उसके बाद जिस टाइप की प्रॉब्लम है सिविल क्रिमिनल दोनों को आप देखें, चार्ज फ्रेम करने से लेकर के इश्यूज़ में कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्योंकि ये मान के चलिए कि हर प्रॉब्लम अपने आप में इंडिविजुअल आपका वहाँ पे चार्ज भी फ्रेम होगा और वहीं पे आपके जो इश्यूज़ बनेंगे उसके अकॉर्डिंग, यदि आपके वो सही ढंग से नहीं फ्रेम हुए देन आपका जजमेंट कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा, तो हमें उस पर उस पार्ट पर फोकस करना है। मैं बात करूँ यदि ऐसे राइटिंग की, तो जैसा मैंने आपको कहा था कि प्री में जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो सब्जेक्ट जो हमारे होते हैं कई बार वहाँ के सब्जेक्ट से मैच करते हो जाते हैं, तो जब हम ऐसे लिख रहे होते हैं तो वो सारे के सारे जो क्रक्स हम याद कर रहे होते पढ़ रहे होते तो हमारे वो वहाँ पे मेंस के टाइम में बहुत रोल प्ले कर जाते हैं। साथ ही साथ आप बच्चे सोचते हैं कि हम हिंदी मीडियम के हैं तो हमारा ट्रांसलेशन वीक रहेगा, या हम इंग्लिश मीडियम के हैं तो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। कई बार हमें पता नहीं होता है लेकिन हमारा एक एक मार्क इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे सिलेक्शन में, तो आप इसको भी इग्नोर ना करें, लूज़ ना करें, उस पर भी फोकस करें। और कोशिश करें जब आप बेयर एक्ट पढ़ रहे हों तो बेयर एक्ट को हिंदी और इंग्लिश दोनों में रीड ज़रूर करें, क्योंकि लीगल लैंग्वेज जो हमारी होती है समवेयर समहाउ हम जो पढ़ रहे हैं हिंदी इंग्लिश का वही ट्रांसलेशन में भी आ जाता है। इस बार हमारे एग्ज़ाम में यही हुआ था, कई ट्रांसलेशन के पॉइंट्स ऐसे थे जो कि लॉ में हमारे जो बेयर एक्ट के पॉइंट्स होते उन उसी में से दिए हुए थे, तो उस पर फोकस करें। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू ऐसे कहते हैं कि ऑलमोस्ट आप अपना सारा सिलेक्शन मेंस तक में कर चुके होते हैं, लेकिन इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ आपकी रैंकिंग सेट करता है। बट अभी मैं आपको बता दूं, चूँकि एमपी जुडिशरी में एक सीलिंग लिमिट सेट कर दी गई है कि एटलीस्ट आपको 20 मार्क्स लाने ही हैं इंटरव्यू में, तो 50 में से 20 मार्क्स लाना मैंडेटरी था। यदि आपके इवन दो 19 भी आ गए तो आपका सिलेक्शन होना संभव नहीं है। तो हमारे मन में इवन हर स्टूडेंट के माइंड में एक बात कहीं ना कहीं घर कर जाती है कि यदि 19 भी आ गया, आपने मेंस में कितना भी हायर स्कोर कर लिया हो तो आपका सिलेक्शन रह जाएगा। तो हमने इस पॉइंट पे बहुत फोकस किया कि जैसे ही इंटरव्यू के लिए पढ़ाई की तो सारे सब्जेक्ट्स को वापस से रिवाइज़ किया ही किया, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कई बार क्या होते हैं हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो हमारा एक्सप्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कोई भी एग्ज़ाम एक दिन की प्रोसेस नहीं होती है, कंसिस्टेंट प्रोसेस होती है, तो इंटरव्यू के लिए भी हमने शुरू से ही ध्यान रखा था कि आपको डेफिनेशन क्लॉजेस बाय हार्ट होनी चाहिए, टिप पे होनी चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन को आप चेंज नहीं कर सकते, आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते बोलते टाइम। साथ ही साथ जो भी लीगल प्रोविजंस हैं आपको उसका जिस्ट पता होना चाहिए, कहाँ पर क्या चीज़ दी हुई है, गलत ना बताएं। मैंने इस बार मेन इस बात पे फोकस रखा था कि यदि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप आंसर ना दें, सॉरी बोल दें पैनल को, लेकिन यदि आप गलत आंसर देते हैं, मिसगाइड कर देते हैं, ऑल दो उस टाइम आपको लगता है कि हमने आंसर दे दिया है, लेकिन वो आपसे ज़्यादा जानते हैं, वो समझते हैं कि आपने कहाँ मिस्टेक कर दी है, उस टाइम आपको नहीं समझ में आएगा, आपके सामने यस यस बोल दिया जाएगा, बट वो सिली सी मिस्टेक हमारी, हम ज़्यादा बोलने के चक्कर में कई बार अपनी गलती कर जाते हैं, तो आप ना बोलें, सॉरी बोल जाएं, आप इसमें कुछ भी ऐसा ना कहें जिससे कि आपके मार्क्स वहाँ पे कम हो जाएं। तो आपको जो भी आंसर करना है सही आंसर करें। आप बिलीव नहीं करेंगे यदि आप कई बार 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन में भी सॉरी बोल जाते हैं, लेकिन वो 5 क्वेश्चन में आप सही आंसर करते हैं तो परहैप्स वो आपके सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया बन सकता है। तो ये सारी बातें इनका फोकस हम करेंगे एक एक करके, स्टेज बाय स्टेज हर चीज़ का ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात, जितना भी पढ़ें, जो भी पढ़ें, ऑनेस्टली पढ़ें,
सिर्फ बुक्स खोल करके या ये कह दे कि हमने 8 घंटे पढ़ लिया, 10 घंटे पढ़ लिया, ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप दिन में यदि 6 घंटे भी पढ़ रहे हैं, पर यदि अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपको वो मेमोराइज़ हो रहा है, तो वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बस आप इन्हीं सारी बातों का ध्यान रखें। और साथ ही साथ मैं ये बोलूँगी कि आप जब प्री के लिए पढ़ें तो जितनी ज़्यादा ओटी हों, जितनी स्टेट्स की ओटी हैं, UPSC की, PSCs की, हमने बहुत ओटी लगाई हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ओटी लगाते एक टाइम ऐसा आ गया था कि हमें ओटी से क्वेश्चंस याद हो गए थे, हमें ओटी लगाने के टाइम ऑप्शंस भी नहीं देखने पड़ रहे थे, हमें उनके आंसर्स याद होते थे। तो इस तरह से प्रैक्टिस होनी चाहिए। मेंस के लिए क्वेश्चन आंसर्स में हमें सिनॉप्सिस याद होना चाहिए, हमें वो चीज़ें बार बार, ऐसा नहीं कि कहीं गलती हो रही है, कोई क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, आप गलत सेक्शन नंबर कभी भी साइट ना करें, कोट ना करें। और इंटरव्यू में जैसे भी मैंने आपको कहा कि इंटरव्यू ये आपका पूरा व्यू होता है, बहुत ज़्यादा तड़क भड़क कपड़े भी ना पहने, बिल्कुल सिंपल सोबर जाएं। और कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके आप जैसे हैं वैसे ही अपने आप को रिप्रेजेंट करें। लैंग्वेज इतना मैटर नहीं करता है जितना कि बच्चे सोचने लगते हैं, आपका एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन होल सोल मैं सारी बातों के यदि कंपाइल करके बोलूँगी तो आपका सिलेक्शन आपके प्रिपरेशन के ही ऊपर पूरा डिपेंड कर रहा होता है, आप किस तरह से कैसे करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चूँकि मैंने आपको जैसे ही बताया 2012 में मैंने पहली बार दिया था, फिर उसके बाद मैंने यहाँ जॉब ज्वाइन कर ली एज अ डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड था, तो उस 2 ईयर्स में हमें एग्ज़ाम देने की परमिशन नहीं रहती है, तो वो 2 साल मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। तो आप सोच सकते हैं कि यदि कोई बच्चा 2 साल एग्ज़ाम ना दे तो उसकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं एक डल हो जाती है। पर मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि मेरे को जब भी एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर दूंगी, तो मैंने ये प्रिपरेशन छोड़ी नहीं। मैं डेली कुछ नहीं तो कम से कम 2 से 3 घंटे ज़रूर पढ़ाई करती थी। फिर उसके बाद जैसी परमिशन मिली मैंने 2014 में एग्ज़ाम दिया। उस टाइम पे भी एक कैडर था हमारे लिए कि बीइंग अ UR कैंडिडेट आपको हर पेपर में 45-45 मार्क्स मेंस में लाने थे। मेरे बाकी मेंस के हिसाब से बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, इवन दो मैं ये कह सकती हूँ कि स्कॉलर बच्चा जो था, टॉपर था, उससे भी ज़्यादा अच्छे नंबर आ गए थे। बट मेरा जो एक सब्जेक्ट था सिविल जज के, उसमें मेरे 43 मार्क्स आए थे 45 में, तो उस कारण से मेरा नहीं हो पाया था। फिर फर्दर मैंने दिया तो अब इस बार मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो आप सभी के लिए मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको परफेक्शन नहीं आएगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आप अपने आप को इस तरह से करें कि यदि हमारा फेलियर भी हुआ है तो उस फेलियर से भी अपने लेसन्स लें, हमारी गलती कहाँ पे हुई है, खुद को एनालाइज करें। दूसरों के लेसन से या दूसरों की पढ़ाई से जो क्रीम है, अच्छी बातें निकल रही हैं, उनको आप अडॉप्ट करें और खुद की स्ट्रेंथ बनाएं। किसी को पूरी तरह से फॉलो कर लेना एग्ज़ाम को पास करने का क्राइटेरिया कभी नहीं होता है। और मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं की, सेल्फ स्टडी रही शुरू से। तो यहाँ पे जो गाइडेंस रहा है, एक तो खुद के उससे, और दूसरा मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया। फिर उन्होंने मेरे से पूछा गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, तो आप अपने आप से पूछें मेरी मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है, उस मिस्टेक्स को दूर करिए, उसको ठीक करिए और फिर आगे अपनी पढ़ाई करिए। और कभी भी कोई भी हेल्प लगे तो अपने आप से पूछिए। बुक्स आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड होती हैं, बुक्स से अच्छा कोई गाइड नहीं कर सकता। जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे उतना ही आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। और आप अपने पर्सनल नोट्स बनाइए, आप सारी चीज़ें कंपाइल करिए, आपके खुद के नोट्स बनाइए, खुद का आप एक पूरी स्ट्रेटजी सेट करिए। कुछ बच्चे रात में पढ़ पाते, कुछ बच्चे दिन में पढ़ पाते, मॉर्निंग में पढ़ते, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ खुद पता होती है। अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप उसको और ज़्यादा एनहांस करिए और बूस्टअप करिए और अच्छे से पढ़िए। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, मैं उनसे एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते, चूँकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और हम सभी इतने फैमिलियर हो गए कि जितना हम घर वालों से नहीं बात करते उतना हम फ़ोन पे लगे रहते हैं, सामने बैठे हुए व्यक्ति से नहीं बात करते। तो जब प्रिपरेशन कर रहे होते एक बार माइंड में ये आता है कि YouTube में देख लेते हैं, या फिर जो ऑनलाइन कई बार सीरीज़ चल रही होती हैं उनको सुन लें, पढ़ लें। आप दो चीज़ों पर ध्यान रखिएगा, मतलब मैंने जो किया है, मैंने जैसे क्या कहा पहले कि जो आपको अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, किसी भी पर्सन की क्वालिटी या किसी भी साइट की चीज़ें, उसको आप ग्रैस्प कर लें, बाकी चीज़ों के पीछे ना पड़े। क्योंकि समवेयर आपके पास, हम सभी के पास वो 24 आवर्स ही होते हैं। तो प्रिपरेशन करते टाइम डाइवर्ट होने के बजाय आप अपने आप को फोकस करें। फोकस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक पूरा टाइम अपना फिक्स कर लें कि मेरे को कान में ईयरफोन लगा करके पूरे टाइम ये वीडियो सुनना है या फिर ये सब करनी है। देखिए, ये सब चीज़ें अपने लिए अपार्ट फ्रॉम द स्टडी ठीक है, लेकिन
आप ये मान के चलिए कि जो हमारे सेंसेस होते हैं, ये 7 सेंसेस जो होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जब हम पढ़ रहे होते हैं, बुक से जब हम पढ़ते हैं ना, तो वो चीज़ें हमें थकाती नहीं है, हमारे अंदर वो एक टायर्डनेस कम आती है। लेकिन जब हम कोई चीज़ बार बार सुनते हैं, हमारे कान दुखने लगते हैं, हमारे हम वीडियो देखते तो हमारी आंखें जल्दी थक जाती हैं, लेकिन जब हम बुक से पढ़ते हैं तो हमारी एक ह्यूमन बॉडी में एक पर्टिकुलरली एक सेंस होता है कि हम कोई भी चीज़ पढ़ते टाइम एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, हमारे माइंड में वो पिक्चर सेट हो जाती है। वो फ़ोटो कई बार आपको एग्ज़ाम तक में याद रहती है, आपको ये भी ध्यान रहता है कि हमारे लेफ्ट मतलब हमारे उस बुक के लेफ्ट पेज में हमने रेड पेन से लिखा था, ग्रीन पेन से लिखा था। तो आप जब पढ़ें, ऑल दो आप वीडियोस देखें, सारी चीज़ें देखें, लेकिन आप उसको उसका भी टाइम फिक्स रखें, आप उसे पूरा दिन ना लगाएं अपना, क्योंकि कई बार उसके कारण आप जो अपनी एक स्ट्रॉन्ग स्टडी कर सकते हैं, एक अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, आप उस पर्टिकुलर पार्ट के चक्कर में आप अपनी बुक्स को बेयर एक्ट को कई बार आप इग्नोर कर जाते हैं। और ये मान के चलिए लॉ अपने आप में बेयर एक्ट ही है। जब तक हम बेयर एक्ट को या बुक्स को अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे, हम अपनी लीगल नॉलेज को और ज़्यादा एनहांस नहीं कर पाएंगे। आप सुनिए सारी चीज़ें, वीडियोस भी देखिए, सोशल मीडिया को भी आप रेफ़र करिए, लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए करिए, आप उसे पूरा टाइम ना लगाएं। आप उसके बजाय आप एक डे या कुछ टाइम फिक्स कर लें कि मुझे दिन में आधे घंटे ही देखना है, मुझे कुछ पर्टिकुलर टाइम पे ही देखना है, या फिर जब आप कहीं पे बाहर जा रहे हो, आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हो, तो आप उस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आप बुक्स नहीं खोल के पढ़ सकते, वो कई बार थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगता है, तो उस टाइम पे आप वो काम कर लें। लेकिन जब आप घर में रहें, अपनी सेल्फ स्टडी करें, तो आपको जैसा कि मैंने कहा कि आप बुक्स को रेफ़र करें, बेयर एक्ट्स को पढ़ें, जितना पढ़ें उतना अच्छा है, क्योंकि हम जितना रिवाइज़ करते हैं ना, उतना ज़्यादा याद होता जाता है। और इंडेक्स की तो आप, मैं तो बोलूँगी एक फ़ोटो कॉपी ही करवा लें, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, आपने इंडेक्स रिवाइज़ कर लिया, और वो जो हार्ड कॉपी का पढ़ा हुआ होता है ना, वो ज़्यादा याद रहता है, ज़्यादा अच्छे से आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। बार बार आप मालूम पड़ा कि नेट नहीं चल रहा है, डाउनलोड कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, आप अलग से ईयरफोन लगा रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपकी एक शीट है आपके हाथ में, आप उसमें कुछ चीज़ें नोट डाउन भी कर रहे हैं, कहीं से कुछ पढ़ने को मिल गया, आपने लिख भी लिया, हर सब्जेक्ट्स की आप एक इंडेक्स की फ़ोटो कॉपी करवा लें, वो आपके प्री मेंस इंटरव्यू तक हेल्प करेगा। एक साइड में करवाएं, एक साइड ब्लैंक रखें, तो जब आप इधर का पढ़ रहे होते हैं इंडेक्स के सेक्शंस, तो आप उसके पैरेलली लेफ्ट साइड पेज में, वाइट पेज में आप वहीं के वहीं मेंशन कर लें कि इस सेक्शन की ये बात इंपॉर्टेंट है, या ये केस लॉ इसमें इंपॉर्टेंट है, या ये पर्टिकुलर, क्योंकि आप मान के चलिए कि हर सेक्शन का टाइटल ही अपने आप में एक क्वेश्चन तैयार कर देता है, प्री हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, तो वो बहुत हेल्पफुल हो जाता है। हमने यही किया था प्री के टाइम में, वही चीज़ हमें मेंस में भी हेल्पफुल रही, क्योंकि इंडेक्स तो हमेशा याद होने चाहिए आपको, कई स्टेट्स में कई क्वेश्चंस तो उसी पे बेस्ड ही रहते हैं पूरे पूरे, मतलब आप मान के चलिए कि 10-15 क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है। फिर आपको इंटरव्यू में कई बार ये पूछ लेते हैं ये पर्टिकुलर पोर्शन या ये डेफिनेशन कहाँ पे दी हुई है, तो वो भी आपके उस इंडेक्स में से हेल्पफुल हो जाती है। तो इन ऑल मैं यही बोलूँगी कि आप पढ़ाई जब भी करें, आप अपना एक टाइम टेबल सेट कर लें, आप सोशल मीडिया को रेफ़र करें, लेकिन सोशल मीडिया पर डिपेंड ना हो, पूरी तरह से टोटली डिपेंड हो जाना कहीं ना कहीं आपको आपके बुक से, आपके बेयर एक्ट से दूर कर देगा। तो आप जब भी पढ़ें, आप बुक्स को रेफ़र करें, आप अपनी टेक्स्ट बुक को रेफ़र करें, आप बेयर एक्ट को रेफ़र करें, और अपनी खुद की बेयर एक्ट को ज़रूर रेफ़र करें, क्योंकि कहते हैं ना अपनी किताब खुद काम आती है, तो जब तक आप अपनी बुक्स को नहीं रेफ़र करेंगे, आपका खुद का हाथ का लिखा हुआ, अपनी हैंडराइटिंग का ज़्यादा याद रहता है। तो आप कितना भी कहीं से भी किसी के नोट्स फोटोकॉपी करवा लें, जेरोक्स करा लें, लेकिन आप अपना खुद का सेल्फ एक प्रिपरेशन रखें, सेल्फ नोट्स बनाएं, इसी तरह से तैयारी करें। मेरी विशेज आप सभी के साथ हैं, हमेशा अच्छे से पढ़ें और ऑनेस्टली पढ़ें, कंसिस्टेंटली पढ़ें, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। थैंक यू।